तो दोस्तों फाइनली हम राजू भाई के घर पे पहुंच चुके हैं और ये राजू भाई के दादाजी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मरुद्रा जर्नी के अंदर। तो दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है वो दोस्तों हम राजस्थान के नागौर ज़िले के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों जोड़ा धाम जहाँ पर हरिराम बाबा का मंदिर है तो दोस्तों वहाँ पर चलेंगे। और दोस्तों वहाँ पर जो सुनीता स्वामी और राजू स्वामी जो प्रसिद्ध गायक कलाकार है, तो हम सुनीता स्वामी और राजू स्वामी के घर पे चलेंगे और वहाँ पर दोस्तों आपको सुनीता स्वामी का जो घर है वो हम दिखाएंगे। और वहाँ पर अगर राजू स्वामी और सुनीता स्वामी दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको साक्षात्कार भी करवाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और वहाँ पर जाकर के जो जोड़ा धाम हरिराम बाबा का मंदिर है वो पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम जो राजू स्वामी के घर पे चलेंगे और वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। और दोस्तों पीछे का जो सीन है आप देख सकते हैं, काफ़ी अल्टीमेट सीन आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर कल ही बारिश हुई है तो सफ़ेद बादल देख सकते हैं और दोस्तों नीला आसमान, काफ़ी अल्टीमेट सीन यहाँ पर निकल कर आता है दोस्तों। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं एक झोपड़ी बनी हुई है जहाँ पर जो बरसात का मौसम आता है उसके अंदर यहाँ पर जो खेती की जाती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और आगे का विजुअल आपको दिखाते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों हम कुछ ही देर के अंदर जोड़ा धाम पहुंचने वाले हैं और जो अभी फ़िलहाल जहां पर खड़े हुए हैं वो स्थान दोस्तों जोड़ा धाम का पार्किंग स्थल है। यहाँ पर जब मेला भरता है तो पार्क की जाती है सभी गाड़ियों को और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी मैं पार्किंग स्थल श्री हरिराम बाबा मंदिर जोड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आगे जाते हैं और बाबा के दर्शन आपको कराएंगे। और दोस्तों उसके बाद में अपन चलेंगे राजू स्वामी के घर जहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि कैसा व्यू हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने हरिराम बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों राजू स्वामी के घर पे और वहाँ पर आपको राजू स्वामी से मिलवाते हैं और उनका जो गांव का घर है वो हम आपको दिखाते हैं। जोड़ा उनका गांव है और दोस्तों यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो घर है वो स्थित है, वो डाणियों में बसते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको। और मैंने यहाँ पर एड्रेस उनका पता किया है तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे है, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम राजू भाई के घर पे पहुंच चुके हैं और ये राजू भाई के दादाजी हैं जो कि अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और पीछे राजू भाई की गाड़ी खड़ी हुई है और ये राजू भाई के घर हैं यहाँ पर। और दादाजी ने दोस्तों यहाँ पर आराम कर रहे हैं और काफ़ी आदर सम्मान दिया मेरे को यहाँ पर आए तो। और दोस्तों दादाजी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं तो यहाँ पर इसी में रहते हैं दादाजी। तो प्राचीन समय का जो पहनावा और खान पीन गाँव के अंदर ऐसा ही रहता है। और राजू भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, फिलहाल दोस्तों राजू भाई यहाँ पर नहीं है, वो नागौर में रहते हैं, स्टूडियो में फिलहाल है। और सुनीता दीदी भी यहाँ पर नहीं है, वो गई हुई है। दोस्तों मैं राजू भाई के घर पे जाकर आया और वहाँ पर हमें दोस्तों उनके दादाजी मिले और वहाँ पर उनके पिताजी भी थे, लेकिन दोस्तों जो राजू भाई और सुनीता दीदी थी वो घर पे नहीं थी, वो कहीं पे गए हुए थे। और जो राजू भाई थे वो नागौर में थे तो वो बोल रहे थे कि नागौर अगर आप आएँ तो हमसे ज़रूर मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा नागौर जाना होगा तो आपको राजू भाई से और सुनीता दीदी से आपको मिलवा देंगे।
और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और राजू भाई का जो गांव का घर है वो आपने देखा, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।